हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेके आए हैं रेसिपी गुआकामोली, और ये है एवोकाडो डिप। आप देख सकते हैं ये पका हुआ एवोकाडो है। ये देखिए, इसको हम पील करेंगे। हाफ लेमन हमने लिया है, एक टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है अच्छे से वॉश करके, एक प्याज को बारीक काट लिया है, ग्रेटेड चीज है ये भी 3-4 टेबलस्पून है, आधा से भी कम यानी 2 या 3 लहसुन की जो कलियां हैं उनको हमने ग्रेट कर लिया है या कूट लें, और 2 हरी मिर्च का हमने बीज निकाल के इसको तैयार कर लिया है। नमक है स्वाद के अनुसार, ये नमक लिया है हमने स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम एवोकाडो को कट करते हैं। एवोकाडो को हाफ हाफ करके हमने उसका बीज निकाल लिया है और उसका पल्प हमने बीच में से स्पून से निकाल लिया और ये ऐसे मैश कर दिया है फॉक से, देख रहे हैं ना आप। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज बारीक कटा, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये डाल रहे हैं हम हरा धनिया कटा हुआ, बहुत अच्छी बनती है नाचोस के साथ, ये डिप यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। ये चीज डाल देंगे ग्रेटेड और इन सबको मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। पहले लेमन डाल देंगे इसमें, लेमन जूस, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चीज इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, और टेस्ट करके देख लें क्योंकि चीज में भी नमक होता है, और थोड़ा सा फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, तो आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से, नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत फटाफट बनती है ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज ये चॉप ऑफ करके 3 मिनट में ही, 3 मिनट से कम टाइम में ही रेडी हो जाती है, और ये रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। थैंक यू सो मच फॉर